आ जाइए बाबा ब्लॉक क्रेडिट वो होते हैं लिसन टू मी केयरफुली ब्लॉक क्रेडिट वो होता है जो आपने परचेस किया है आइटम अपने बिजनेस के लिए फिर भी गवर्नमेंट बोल रहा है हमारी इच्छा नहीं है हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे सर मैं बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं तो भी गवर्नमेंट बोल रहा है हमारी इच्छा नहीं है हम क्रेडिट नहीं देंगे ठीक है सर समझ लेते हैं किसका कैस का क्रेडिट गवर्नमेंट को देने की इच्छा नहीं है नंबर नंबर ब्लॉक क्रेडिट में बहुत सारे पॉइंट्स है बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है ए है एग्जाम में फाइव मार्क्स के लिए पूछ लेते हैं लेकिन इंटर लेवल पे फाइव मार्क्स के लिए पूछ लेते हैं सीए फाइनल लेवल पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है इनडायरेक्टली बड़ा क्वेश्चन का पार्ट बन के आता है इंटर लेवल पे तो डायरेक्ट पांच मार्क का क्वेश्चन आता है लेकिन सीए फाइनल लेवल पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा इनडायरेक्टली एक बड़ा क्वेश्चन का पार्ट होगा जहां आपको दिखेगा कि ये क्रेडिट ब्लॉक्ट है चलिए बाबा आगे बढ़ते हैं नंबर वन मोटर व्हीकल सर एनी वेहीकल विच है मोटर आपको ध्यान रखना है एनी व्हीकल विच हैज ए मोटर इज ए मोटर व्हीकल अगर आपने मोटर व्हीकल लिया है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन तो क्रेडिट ब्लॉक्ड है बाबा एवरी वन वन थिंग विच आई वांट टू टेल यू अनलेस ब्लॉक्ड अनलेस ब्लॉक इट इज ऑलवेज अलाउड हमेशा याद रखेगा अगर ब्लॉक बोला है तो ही ब्लॉक्ड है अगर लिख ले बेटा अगर ब्लॉक्ड बोला है तो ही तो ही ब्लॉक्ड है सर क्या बोला है ओनली इफ ब्लॉक इट इज ब्लॉक्ड मतलब अनलेस ब्लॉक्ड ऑलवेज अलाउड चलिए बाबा इंग्लिश में भी लिख लीजिए मतलब इंग्लिश कन्वर्जन इसका यह होता है अनलेस ब्लॉक आई टी सी ऑलवेज अलाउड हमेशा याद रखेगा हमेशा क्रेडिट अलाउड है अनलेस ब्लॉक्ड सर ठीक है मतलब अगर आपने कोई चीज को बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया है क्रेडिट हमेशा मिलेगा अगर ब्लॉक नहीं है तो सर चलिए पढ़ते हैं ब्लॉक क्रेडिट मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन सर मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन ब्लॉक है यस बाबा देखिए मोटर व्हीकल होता है मोटर व्हीकल ठीक है मोटर व्हीकल मतलब एनी व्हीकल विच हैज ए मोटर टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी हो ठीक है अब मोटर व्हीकल दो टाइप के होते हैं एक होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए और एक होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए देखिए पहला बात तो मैं बोलना चाहूंगा जब आप ये लाइन पढ़ोगे तो इन्होंने ब्लॉक किसके लिए किया है मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स किया है ब्लॉक या सर मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन पे कुछ ब्लॉकेज डाला है सर मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन में ब्लॉकेज डाला है गुड्स पे तो कोई ब्लॉकेज है ही नहीं अगर ब्लॉक नहीं है तो क्या है ऑलवेज एवरीवन अनलेस ब्लॉक ऑलवेज अलाउड यस सर अनिये मोटर वेहीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्सन में भी इंक्लूडिंग द्राइवर मतलब ड्राइवर को लेके तेरह लोग बैठ सकते हैं अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी देखिए क्या होता है ना गाड़ियों का अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी होता है पांच कभी कभी लोग क्या करते हैं टिक्की वगैरह में बैठ के सात जन बच जाते हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम बोल रहे हैं सर अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी उस कार का अप्रूव सर गोदी में भी बैठ जाते हैं डिक्की में भी बैठ जाते हैं नहीं वो बात नहीं कर रहे हैं अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू थर्टीन तो सर अगर एक मोटर व्हीकल है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन एंड जो सीटिंग कैपेसिटी है सीटिंग कैपेसिटी वो लेस देन इक्वल टू थर्टीन है या सर अगर ग्रेटर देन थर्टीन है

चार लाख रुपए के कार पे मैंने समझ लीजिए एड का जीएसटी दिया मैंने पे किया टोटल फोर लाख एटी थाउजेंड मेरा क्वेश्चन आपसे ये है है जो है, क्या उसका क्रेडिट मेरे को मिलेगा सर कार है मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए है सर सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू थर्टीन है पांच का सीटिंग कैपेसिटी है ब्लॉक है सर मैंने लंबी गाड़ी खरीदी जिसमें एट लोग बैठ सकते हैं क्या मिलेगा क्रेडिट मैंने बोला कोई बात नहीं बड़ी गाड़ी ले लेते हैं तो भी नहीं मिलेगा सर आपको देखना है अगर तेरह लोग तक थर्टीन लोग तक का सीटिंग कैपेसिटी है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा यस सर समझ लीजिए रमेश सोनी क्लासेस ने मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन मैंने स्टूडेंट्स के लिए खरीद ली जिसमें मैंने एक बड़ी बड़ी टेम्पो ट्रेवलर ली है जिसमें सीटिंग कैपेसिटी सेवनटीन की है बोलिए मेरे को क्रेडिट मिलेगा यस yes, सर क्या मेरे को क्रेडिट मिलेगा मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन ग्रेटर देन थर्टीन सर अगर ग्रेटर देन थर्टीन लिया है तो मिलेगा नेक्स्ट सर अगर मैंने समझ लीजिए एक बड़ी बस ले ली जिसमें ट्वेंटी फाइव का सीटिंग कैपेसिटी है स्टूडेंट्स के लिए क्या मिलेगा मेरे को यस yes, सर मिलेगा हमेशा याद रखिएगा सर मोटर व्हीकल मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन वही ब्लॉक्ड है जिसका अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू थर्टीन होता है वही ब्लॉक है अगर ब्लॉक नहीं है तो हमेशा अलाउड है लेकिन यहाँ ब्लॉक में भी इन्होंने एक स्टार डाल के बोला कि आपने एक मोटर व्हीकल लिया है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन आपने एक मोटर व्हीकल लिया है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन लेकिन आप वो मोटर व्हीकल को यूज कर रहे हो एवरी वन ओवर अगर वो मोटर व्हीकल को यूज कर रहे हो फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई वट डू यू मीन बाई सप्लाई एवरी वन सप्लाई मीन सेल ट्रांसफर वाटर एक्सचेंज लीज रेंटल लाइसेंस डिस्पोजल कुछ भी हो सकता है मैंने कार खरीदी एवरी मैंने कार खरीदी है कार बेचने के लिए तो क्विकली बताइए क्या मेरे को क्रेडिट मिलेगा मैंने कार खरीदी है कार बेचने के लिए तो सर कार हो गया मेरा गुड्स यहां कार मेरा गुड्स है कार कार नहीं है कार मेरा गुड्स है और सर गवर्नमेंट ने बोला है अगर आपने मोटर व्हीकल खरीदा है वैन

यस सर क्रेडिट मिलेगा मैंने कार खरीदा कार को लीज पे देने के लिए क्या क्रेडिट मिलेगा यस सर क्रेडिट मिलेगा बिकॉज़ सप्लाई इज अ वेरी वाइडर टर्म यस सर पॉइंट क्लियर है चलिए आगे चलते हैं सर नेक्स्ट मैंने अगर एक मोटर व्हीकल खरीदा फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन बाबा मैं हूं एक कैब ड्राइवर मेरा एक कैब है मैंने कैब खरी, कैब खरीदा फॉर गोइंग एंड डूइंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन क्विकली बताइए क्या मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा टेशन ऑफ पैसेंजर क्या मेरे को क्रेडिट मिलेगा यस और नो यस सर आपको क्रेडिट मिलेगा बिकॉज यू आर डूंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर लेकिन याद रखियेगा सब्जेक्ट टू दंडीशन की कैब ड्राइवर रजिस्टर्ड पर्सन है एग्जाम में आया कि रा, राम एन अनस्टर्ड पर्सन है मोटर वेहीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बच्चे देखना ही भूल गए बीच में अनरजिस्टर्ड लिखा हुआ था अरे मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर तो मिलेगा लेकिन बेटा आप रजिस्टर्ड हो तो ही मिलेगा इज क्लियर टू ऑल चले आगे मैं अगर क्वेश्चन सेट करता तो मैं ये पॉइंट डाल देता सर इसीलिए आपको क्वेश्चन सेट नहीं करने दिया हम बहुत खुश हैं चलिए एवरी वन ओवर नो सर अगर मैंने एक मोटर व्हीकल खरीदा मोटर व्हीकल को सेल करने के लिए क्रेडिट मिलेगा मोटर व्हीकल खरीदा मोटर व्हीकल को रेंट देने के लिए क्रेडिट मिलेगा मोटर व्हीकल खरीदा मोटर व्हीकल को लीज देने के लिए क्रेडिट मिलेगा मोटर व्हीकल खरीदा फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए बाबा कार मेरे लिए कार नहीं है कार मेरे लिए लक्ष, लक्ष्मी है याद रखिएगा गवर्नमेंट बोल रहे हैं आपके लिए कार क्या हो गई लक्ष्मी हो गई सुबह सुबह पूजा करोगे लेके जाओगे गवर्नमेंट बोल रहा है यहाँ कार आपके लिए एज ए प्लांट एंड मशीनरी काम कर रहा है कोई बात नहीं आपको क्रेडिट मिल जाएगा मैं हूं एक ड्राइविंग स्कूल मैं कार ड्राइविंग देता हूं कार का ड्राइविंग देता हूं ड्राइविंग ट्रेनिंग देता हूं मेरा क्वेश्चन आपसे है मैंने कार, कार का ड्राइविंग सिखाने के लिए तो इन्होंने बोला अगर ट्रेनिंग दे रहे हो ड्राइविंग के लिए तो सर आपको क्रेडिट मिल जाएगा तो मैंने बोला ब्लॉक्ड है लेकिन अगर आप फर्दर सप्लाई कर रहे हो या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हो या सर ट्रेनिंग इन ड्राइविंग दे रहे हो ट्रेनिंग दे रहे हो बेसिकली तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा याद रखना एफटीटी अगर आप फर्दर सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हो तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा क्विकली बोलिए क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है चलें आगे यस सर पॉइंट क्लियर है मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन क्रेडिट अगर लेस देन इक्वल टू 13% है तो क्रेडिट ब्लॉक्ड है सर अगर ग्रेटर देन थर्टीन है तो क्रेडिट मिलेगा सर अगर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है तो कभी ब्लॉक किया ही नहीं था इन दोनों केस में तो कभी ब्लॉक किया ही नहीं अगर ब्लॉक किया ही नहीं है तो हमेशा अलाउड है सर ब्लॉक्ड है लेकिन अगर आप कर रहे हो फॉर्दर सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड ट्रेनिंग बेसिकली ड्राइविंग वगैरह टेस्ट वगैरह के लिए आपने एक कार खरीदा है बाबा मोटर व्हीकल कैन इंक्लूड टू व्हीलर थ्री व्हीलर फोर व्हीलर चलेंगे एवरीवन कैन वी गो हेड मोटर वेहीकल मेन से वेहीकल विच ए मोटर चलिए सर आगे चलते हैं एवरी वन ओवर नेक्स्ट सर उसके बाद आता है पॉइंट नंबर है, है किसका क्रेडिट ब्लॉक है देखिए बाबा वेसल एंड एयरक्राफ्ट का क्रेडिट ब्लॉक है इन्होंने क्या बोल दिया वेसल एंड एयरक्राफ्ट का क्रेडिट ब्लॉक है तो सर इन्होंने अभी बोला है वेसल एंड एयरक्राफ्ट क्रेडिट ब्लॉक्ट है सर क्रेडिट ब्लॉक्ड मेरा क्वेश्चन आपसे यह है क्या इन्होंने यहां पे बोला है सर वेसल एंड एयरक्राफ्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर क्या ब्लॉक है क्या इन्होंने कुछ बोला है या पूरा वेसल एंड एयरक्राफ्ट ही ब्लॉक कर दिया क्विकली बोलिए इन्होंने वेसल एंड एयरक्राफ्ट को पूरा ब्लॉक कर दिया उसके बाद इन्होंने कुछ एक्सेप्शन उसके बाद इन्होंने एक्सेप्शन कर्व आउट किए सर समझ लीजिए मैं हूं समझ लीजिए हम हैं मुकेश अंबानी हूं मैं एग्जाम्पल पर मैंने क्या किया एक एयरक्राफ्ट खरीदा रिलायंस ने क्या किया एक एयरक्राफ्ट खरीदा सर रिलायंस ने जब एक एयरक्राफ्ट खरीदा अपना रिलायंस uh, ने एयरक्राफ्ट खरीदा फॉर डायरेक्टर समझ लीजिए जो डायरेक्टर है उनके लिए एक एयरक्राफ्ट खरीदा गया ताकि डायरेक्टर को यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ वापस लाया जाए जब एयरक्राफ्ट खरीदा एयरक्राफ्ट इज गुड जीएसटी लगा क्या एयरक्राफ्ट का क्रेडिट मिलेगा उनको क्या उनको क्रेडिट मिलेगा एवरी नहीं सर नहीं मिलेगा ठीक है शाहरुख खान ने बोला कि मैं एक काम करता हूं एक यॉट खरीद लेता हूं बाबा योट मालूम है ना वो जो डिजाइन टाइप का फुल स्टाइलिश बोट होता है यस तो सर शाहरुख खान ने क्या किया एक यॉट खरीद लिया मतलब वो एक वेसल है करेक्ट शिप है बोला शिप पे पार्टी करेंगे शिप खरीद लिया मेरे को एक बात बताइए शाहरुख खान को क्या क्रेडिट मिलेगा जाए उसने बोला कि सर मैं इस पर अपना ऑफिस खोलूंगा तो भी क्या क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा वेसल एंड एयरक्राफ्ट पे क्रेडिट हमेशा ब्लॉक है लेकिन यहां पे एक्सेप्शन कर बाउट किया है एक्सेप्ट व्हेन यूज फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई फॉर सप्लाई सर मैंने का मैंने एयरक्राफ्ट खरीदा एयरक्राफ्ट बेचने के लिए क्या क्रेडिट मिलेगा एवरी यस सर क्रेडिट मिलेगा मैंने वेसल खरीदा वेसल बेचने के लिए क्रेडिट मिलेगा यस सर मिलेगा मैंने एयरक्राफ्ट खरीदा एयरक्राफ्ट को रेंट आउट करने के लिए एवरी वन एयरक्राफ्ट को रेंट आउट करने के लिए क्रेडिट मिलेगा सर मैंने एक वेसल खरीदा वेसल को रेंट आउट करने के लिए क्रेडिट मिलेगा बिकॉज सप्लाई इज ए वेरी वाइडर टर्म यस सर चलिए उसके बाद सर अगर मैंने वेसल एंड एयरक्राफ्ट खरीदा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इंडिगो एयरलाइन एवरीवन ओवर हियर इंडिगो एयरलाइन ने एक प्लेन खरीदा बोइंग प्लेन खरीदा उस पे उन्होंने जीएसटी पे किया मेरा क्वेश्चन आपसे ये है जब जीएसटी पे किया है इंडिगो एयरलाइंस इज इन्वॉल्वड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर क्या उनको क्रेडिट मिलेगा यस सर उनको क्रेडिट मिलेगा क्योंकि यहां बोला गया है फर्दर सप्लाई अगर है ट्रांसपोर्टेशन अगर है तो क्रेडिट मिलेगा ठीक है सर सुनिए मैंने एक शिप खरीदा और शिप में लोगों को क्रूज वगैरह में लेके जा रहा हूं क्या मेरे को क्रेडिट मिलेगा एवरी मैंने शिप खरीदा फॉर टेकिंग पीपल ऑन क्रूज यस एवरी जल्दी बताइए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का ही मामला है यस सर क्रेडिट मिलेगा क्योंकि आप कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर आउटवर्ड जो है वो टैक्सेबल सप्लाई है विच इज व्हाट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर नेक्स्ट सर मैंने क्या किया अब आप एक बात बताइए कार के लेटो ट्रेनिंग होता है शिप के लिए क्या बोलोगे सर शिप ड्राइविंग स्कूल अरे बोलता है अगर आप टैक्सीबल सप्लाई कर रहे हो ऑन नेविगेटिंग वेसल मतलब वेसल के लिए ऐसे नहीं बोलते शिप चलाना सिखा रहा हूं ड्राइविंग शिप बोलते हैं सर यू आर गिविंग ट्रेनिंग इन नेविगेटिंग वेसल नेविगेटिंग वेसल इज द पॉइंट क्लियर अगर हम लोग सिंपल कर लेते हैं सर अगर आप शिप चलाने का ट्रेनिंग दे रहे हो क्या क्रेडिट मिलेगा मैं हूं एक मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो शिप ड्राइविंग सिखाता है शिप ड्राइविंग एग्जाम में ड्राइविंग मत ना एग्जामिनर होगा ना, वो नेविगेटिंग वर्ड ढूंढ रहा होगा आपको नेविगेटिंग लिखना है ठीक है तो सर अगर मैं शिप का ड्राइविंग देता हूं क्या मेरे को क्रेडिट मिलेगा यस सर बाबा एरोप्लेन के लिए कभी सुना है ड्राइविंग एरोप्लेन नहीं सर ड्राइविंग नहीं होता है फ्लाइंग एयरक्राफ्ट होता है अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं इन ड्राइविंग एयरक्राफ्ट बोलिए मेरे को अरे ड्राइविंग वर्ड एग्जाम में मत ना, फ्लाइंग ना। सर अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ इन फ्लाइंग एयरक्राफ्ट मैंने जो एयरक्राफ्ट खरीदा उसमें क्या मेरे को क्रेडिट मिलेगा everyone. जल्दी बताइए क्या मेरे को क्रेडिट मिलेगा यस सर क्रेडिट आपको मिलेगा देखिए मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैंने बोला ब्लॉक्ट है लेकिन गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन किया फर्दर सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड ट्रेनिंग सर ट्रेनिंग को यहाँ पे अलग नाम दिया गया है नेविगेटिंग का नाम दिया गया है फॉर वेसल एंड प्लेन के लिए नाम दिया गया है सर यहां नहीं बोला ड्राइविंग वर्ड यूज करना यहां बोला है यू आर गोइंग एंड गिविंग ट्रेनिंग इन नेविगेटिंग वेसल एंड यू आर गिविंग ट्रेनिंग इन सर फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट तो सर आपको क्रेडिट मिल जाएगा यस yes, एवरीवन जल्दी बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर है यू तो वेसल एंड एयरक्राफ्ट पे क्रेडिट ब्लॉक रहता है लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि सर फॉर द सप्लाई ट्रेनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड ट्रेनिंग के लिए अगर यूज किया है तो क्रेडिट मिल जाएगा अब अब सुनिए देखिए क्योंकि यहां पे पूरा ब्लॉक कर दिया था इसीलिए इन्होंने क्या किया यहां एक वर्ड इंक्लूड किया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए भी क्रेडिट अलाउड रहेगा अब मेरे को बोलिए यू तो ब्लॉक था लेकिन सर स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए अगर आपने एक वेसल और एयरक्राफ्ट खरीदा है तो उसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा आई इधर अवेलेबल रहेगा क्या इधर भी आई अवेलेबल रहेगा एवरी यस सर इसका आईटीसी अवेलेबल रहेगा क्विकली बोलिए इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल मैंने एक शिप खरीदा फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स क्रेडिट मिलेगा मैंने एक एयरक्राफ्ट खरीदा फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स क्रेडिट मिलेगा एक कार्गो कंपनी है उन्होंने एक खरीदा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रेडिट मिल जाएगा ये सर पॉइंट तो बात ही नहीं करना पड़ा इट वॉज ऑलवेज अलाउड यह ब्लॉक ही नहीं था तो इसका बात ही नहीं करना पड़ा ब्लॉक तो सिर्फ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन विथ अप्रूव सिटिंग था इसीलिए इधर सिर्फ इसको अलाउ किया गया था यह तो ऑलरेडी अलाउ था ब्लॉक था ही नहीं कभी अनलेस ब्लॉक ऑलवेज अलाउड था लेकिन यहां पे तो पूरा वेसल एन एयरक्राफ्ट को ही ब्लॉक कर दिया था इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को स्पेसिफिकली अलाउ किया गया क्विकली बोलिए क्या यह पॉइंट क्लियर है आगे बढ़ू यस सर पॉइंट क्लियर है चलिए आगे चलते हैं एवरी वन ओवर हियर नाउ देखिए फिर क्या बोल रहा है अब मेरे को एक बात बताइए आपने जनरल इंश्योरेंस का सर्विस जनरल इंश्योरेंस का सर्विस लिया सर्विसिंग लिया कार का कुछ भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस लिया सुनिए मैंने जो ये कार खरीदी थी ना मैंने ये कार जो खरीदी थी एक बात बताइए ये कार का मैं इंश्योरेंस लूंगा यस सर इंश्योरेंस लोगे जब इंश्योरेंस खरीदूंगा इंश्योरेंस कंपनी को जीएसटी जीएसटी दूंगा मैंने ये कार का सर्विसिंग सर्विसिंग कराया servicing कराया तो सर पे किया सर मैंने रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराया रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराया तो भी जीएसटी पे किया मेरा क्वेश्चन आपसे यह है ये कार का जब मैं इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज लूंगा क्या मेरे को क्रेडिट मिलेगा बताइए क्या मेरे को क्रेडिट मिलेगा याद रखना एक बात अगर पप्पा अलाउड थे तो सन को भी अलाउ कर दिया जाएगा मतलब सर अगर अगर मेन पे क्रेडिट ब्लॉक था तो सर सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे भी क्रेडिट ब्लॉक रहेगा सर अगर फर्दर सप्लाई के लिए लिया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और ट्रेनिंग के लिए लिया था तो सर मोटर व्हीकल पे क्रेडिट अलाउड था उसका सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस का क्रेडिट भी आपको अलाउड रहेगा क्विकली बोलिए मेरे को क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यस सर पॉइंट क्लियर है क्या बोल रहे हैं यहां पे देखिए सर सर्विसिंग ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ए एंड ए एज ब्लॉक ए एंड ए ए मतलब सर अरे A and AA मतलब ये और ये ब्लॉक है लेकिन मिल जाएगा अगर मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट को यूज किया है फॉर स्पेसिफाइड मतलब सर अगर आपने यूज किया है फॉर फर्दर सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और ट्रेनिंग क्विकली बोलिए आपको क्या क्रेडिट मिल जाएगा सिंपल सा एक टर्म बोलूं आपको अगर मेन मोटर व्हीकल पे क्रेडिट अलाउड था मेन वेसल पे एक क्रेडिट अलाउड था मेन एयरक्राफ्ट पे क्रेडिट अलाउड था तो उसका रिपेयर सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंश्योरेंस जो भी लोगे उसका क्रेडिट भी अलाउड रहेगा मेन पे क्रेडिट ब्लॉक था तो सर इधर भी क्रेडिट ब्लॉक रहेगा जल्दी बताइए क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यस एवरीवन वन पॉइंट क्लियर है आगे चलो यस सर पॉइंट क्लियर है अगर आपने सर मेन व्हीकल पे मिला था तो उसका सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस पे भी मिलेगा सर अगर मेन व्हीकल पे नहीं मिला था तो उसका सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस पे भी नहीं मिलेगा नेक्स्ट सर सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर लिया गया है वेन रिसीव बाय अ टैक्सेबल पर्सन एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल एंड एयरक्राफ्ट मेरे को एक बात बताइए ये है टाटा बाबा टाटा कंपनी ने क्या किया ये जो मोटर व्हीकल्स है ये जो मोटर व्हीकल्स है जो ये सेल करते हैं इन मोटर व्हीकल्स का इन्होंने इंश्योरेंस लिया है क्विकली बताइए अगर टाटा जो कंपनी मैनुफेक्चर करती है उन्होंने अगर कोई जनरल इंश्योरेंस ले लिया या कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस ले ली बिफोर सेलिंग देयर कार क्विकली बताइए क्या इनको क्रेडिट मिलेगा क्योंकि सर आउटवर्ड तो टैक्सेबल सप्लाई है ना कार तो इनके लिए गुड्स है तो इनको क्रेडिट दिया जाता है गवर्नमेंट ने बोला

वेन रिसीव बाय अ टेक्सीबल पर्सन इंगेज इन सप्लाइंग ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ सच मोटर वेहीकल इन शॉर्ट बाई हेम एवरी वन ओवर नाउ सुनिए यह है एक इंश्योरेंस कंपनी समझ लीजिए यह है रवि इंश्योरेंस रवि इंश्योरेंस कंपनी रवि ने क्या किया मेरी कार का इंश्योरेंस किया एवरी वन ओवरियर रवि ने क्या किया मेरी कार का इंश्योरेंस किया अब रवि ने बोला सर की है ऑडी ठीक है बाबा ड्रीम तो कर सकते हैं यस सर ड्रीम कर सकते हैं तो मेरी कार है ऑडी समझ लीजिए अब रवि ने क्या किया रवि ने मेरी कार का इंश्योरेंस दिया मेरे को क्विकली बताइए मेरे को रवि ने चार्ज किया टेन वन लाख रुपीस और जीएसटी मेरे को चार्ज किया है क्या मेरे को क्रेडिट मिलेगा रवि ने जब मेरे को कार का इंश्योरेंस दिया क्या मेरे को क्रेडिट मिलेगा मेरे लिए कार लग्जरी है यहां पे गवर्नमेंट बोल रहा है सर आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए लिया है नहीं मिलेगा मेरे को तो आई नहीं मिलेगा अब सुनिए रवि ने रवि डर रहा था अगर सर की कार चोरी हो गई तो रवि ने क्या किया फर्दर एक इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ा और उसको बोला सर आप री इंश्योरेंस कर दीजिए अब यह इंश्योरेंस कंपनी जब ऑडी का री इंश्योरेंस कर रहा है बाबा री इंश्योरेंस होता है तो इन्होंने जब इनको इनवॉइस दिया तो सर उस पर जीएसटी चार्ज किया मेरा क्वेश्चन आपसे यह है क्या इनको क्रेडिट मिलेगा ये और नो एवरीवन क्विकली बताइए क्या इनको क्रेडिट मिलेगा यस सर यस सर यस सर अगर कोई फर्दर देखिए अगर कोई वेन रिसीव बाई ए टैक्सेबल पर्सन क्या रिसीव किया है जनरल इंश्योरेंस मिला है जनरल इंश्योरेंस सर्विस लिया है टैक्सेबल पर्सन इन सप्लाइंग जनरल इंश्योरेंस सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट इन शॉर्ट बाई हेम मैंने इंश्योरेंस दिया है अगर मैं इंश्योरेंस का सर्विस लूंगा तो मेरे को क्रेडिट मिलेगा ठीक है सर पॉइंट क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं समझ लीजिए एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने एक कार का इंश्योरेंस किया और सर अब ये कार का एक्सीडेंट हो गया ये कार का एक्सीडेंट हो गया तो कार का एक्सीडेंट हो तो का होने के बाद ये कार चली गई रिपेयर होने के लिए बाबा ये कार चली गई रिपेयर होने के लिए जब रिपेयर हुआ ना रिपेयर एंड मेंटेनेंस का बिल मेरे को तो नहीं देना है क्योंकि मेरा तो इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किया है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का बिल चला गया इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी कंपनी के के पास क्लेम होने के लिए मेरा क्वेश्चन आपसे ये है ये जो है जो इनको क्या ये जो सर्विसिंग का चार्जेस है इस पे जो भी जीएसटी चार्ज है उसका आईटीसी मिल जाएगा एवरी क्विकली बताइए इनका आउटवर्ड सप्लाई है इंश्योरेंस सर्विस देना इंश्योरेंस सर्विस देना इन्होंने अगर मेरी कार का सर्विसिंग करा के दिया जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद कार का सर्विसिंग करा के दिया और सर इसका बिल चला गया इंश्योरेंस कंपनी को क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ही देगा ना तो सर इस केस में क्या इनको आईटीसी मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी ने मारुति सुजुकी को बोला सर बिल डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी के नेम पे रेस कीजिएगा क्योंकि हम ही क्लेम देने वाले हैं तो इनको आईटीसी मिलेगा देखिए यहां क्या बोला है यहां बोला है सर सर्विसिंग ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्रेडिट मिलेगा व्हेन रिसीव बाय ए टैक्सेबल पर्सन हु इज बेसिकली एंगेज इन सप्लाइंग जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल इंश्योर्ड बाय हिम हेम अगर मैंने मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस किया है तो जो भी मैं री इंश्योरेंस का सर्विस लिया सर्विसिंग लिया रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विसेज लिया उसका क्रेडिट मेरे को मिलेगा जल्दी बताइए क्या ये पॉइंट आप सबको क्लियर है यस सर पॉइंट क्लियर है चलिए आगे चलते हैं यहां मेरा मोटर व्हीकल का डिस्कशन खत्म होता है अब आ जाइए सेक्शन नंबर सेवेंटी फाइव बी में सेक्शन नंबर सेवेंटी फाइव बी बोलता है फॉलोइंग गुड सर्विसेज और बोथ फॉलोइंग गुड सर्विसेज और बोथ पे क्रेडिट नहीं मिलेगा नंबर वन यहां पे तीन पॉइंट्स है नंबर वन फूड एंड बेवरेजेस बाबा एक बात बताइए मैंने बिरयानी मंगाई मैंने बोला आज है वीकेंड हम करा, कराएंगे अपने एम्प्लॉय को सबको बिरयानी खिलाएंगे हमने क्या किया एक बिरयानी ऑर्डर कर लिया अब क्या मेरे को बिरयानी बिल पे जो जीएसटी लगा हुआ उसका क्रेडिट मिलेगा याद रखिएगा हमेशा फूड एंड बेवरेजेस पे कभी भी क्रेडिट नहीं मिलता है नहीं तो लोग क्या करेंगे जब जब अपने दोस्तों के साथ बाहर जाएंगे अपना जीएसटी नंबर देके क्रेडिट लेना शुरू कर देंगे गवर्नमेंट ने बोला नहीं आपको फूड एंड बेवरेज पे हम क्रेडिट नहीं देंगे क्योंकि इस पे क्या होता है लोग ज्यादातर क्या करेंगे इसलिए सर्विस ले दिया मेरे एम्प्लॉयज को फूड दिया है वो केटरिंग सर्विसेज का आपको कभी भी जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल कैन बी गो हेड आउटडोर केटरिंग अगर आपने लिया है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा ठीक है सर पॉइंट क्लियर है आउटडोर केटरिंग पे कभी भी क्रेडिट नहीं मिलता है आपको केटर बिल देगा वन लाख रुपीज पर मंथ बिल दिया जीएसटी भी चार्ज किया आपको केटरिंग सर्विस का जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलेगा लोग क्या करेंगे पता है बच्चा हुआ है केटरिंग सर्विसेज लिया है ले लो बिल ले लो अपने ऑफिस के नाम पे ले लो अरे शादी है शादी का बिल एक काम कर ऑफिस के नाम पे दे दे तो सर यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला जो भी केटरिंग सर्विसेज है उसका बिल का जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर नहीं मिलेगा बाबा तो बाबा यहां पे आप कोई हेडेक भी नहीं है गवर्नमेंट को ठीक है नेक्स्ट ब्यूटी ट्रीटमेंट गवर्नमेंट ने बोला आप अपना जितना भी डेंटिंग पेंटिंग है कराना है कराना करा लीजिए ब्यूटिशियन बिल देगा क्रेडिट नहीं मिलेगा यस एवरी गवर्नमेंट ने सिंपल बोल दिया है ब्यूटी ट्रीटमेंट का क्रेडिट आपको नहीं दिया जाएगा शाहरुख खान की कंपनी है शाहरुख खान ने बोला कि शाहरुख खान के लिए हम थोड़ा ब्यूटिशियन का सर्विसेज लेंगे ब्यूटिशियन ने बिल दिया शाहरुख खान की कंपनी को शाहरुख खान की कंपनी को क्रेडिट नहीं मिलेगा याद रखिएगा शाहरुख खान ने ब्यूटी ट्रीटमेंट का सर्विसेज लिया सर ब्यूटी ट्रीटमेंट का बिल दिया गया उसकी कंपनी को कंपनी को क्रेडिट नहीं मिलेगा ब्यूटी ट्रीटमेंट का कभी भी क्रेडिट नहीं मिलता है समझ लीजिए सेम जगह अगर कोई हेल्थ सर्विसेज दिया गया मेरे ऑफिस में मैंने बोला एम्प्लॉयज के लिए एक हेल्थ चेकअप मेरे को चाहिए इसलिए मैंने एक हॉस्पिटल को बोला आप एक काम कीजिए हेल्थ चेकअप कैंप लगाइए नहीं मिलेगा हेल्थ क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा ठीक है सर चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर एन एग्जाम्पल शाहरुख खान ने बोला एक मूवी के लिए चाहिए मेरे को कि मैं थोड़ा कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी करा लू कॉस्मेटिक सर्जन ने क्या किया बिल दिया कॉस्मेटिक सर्जन ने एक बिल दिया और या सर प्लास्टिक सर्जरी का एक बिल दिया तो सर उस पर जीएसटी चार्ज करके दिया बिकॉज इट नॉट हेल्थ सर्विस इट इज सर इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे इसको हेल्थ केयर क्या क्या इसको हेल्थ केयर बोलेंगे नहीं सर ये तो ब्यूटिफिकेशन है अगर ब्यूटिफिकेशन है तो वो मेरे को क्रेडिट चार्ज जीएसटी चार्ज करेगा ब्यूटिफिकेशन इज नॉट हेल्थ केयर ब्यूटिफिकेशन पे जीएसटी आएगा वो मेरे को जीएसटी चार्ज करेगा और मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा याद रखिएगा कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी आपने लिया है एवरी वन ओवर कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी अगर आपने लिया है उस पर अगर फ्रंट पार्टी जीएसटी चार्ज कर रहा है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा शाहरुख खान के एग्जाम्पल जितने क्लास में लिए गए हैं वो सारे क्लासरूम रूम के लिए है आई लव शाहरुख खान चले आगे एवरी वन यस सर चलिए आगे चलते हैं सुनिए रिलायंस ने बोला एवरी वन ओवर रिलायंस ने बोला अगर हम अगर हम मोटर व्हीकल खरीदते हैं एरोप्लेन खरीदते हैं वेसल खरीदते हैं तो, तो है, है, ले है। है, क्रेडिट नहीं मिलता है एक काम करते हैं रेंट पे ले लेते हैं गवर्नमेंट ने बोला बेटा खरीदो चाहे रेंट पे ले लो दोनों का क्रेडिट नहीं मिलेगा देखिए, अगर कोई है लीजिंग लिया लीज पे ले लिया रेंट पे ले लिया या हायर पे ले लिया क्या मोटर वेहीकल वेसल एंड एयरक्राफ्ट लोग बोले खरीदने पर क्रेडिट नहीं मिलता है काम करते हैं रेंट पे लेते हैं गवर्नमेंट ने बोला दोनों ही केस में क्रेडिट ब्लॉक्ट है नेक्स्ट अगर मैंने लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस लिया है अपने एम्प्लॉय का चाहे किसी का भी गवर्नमेंट ने बोला है कभी क्रेडिट नहीं मिलेगा ये सर पॉइंट क्लियर है चलिए आगे चलते हैं तो यहां लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस का कभी आपको क्रेडिट नहीं मिलता है ठीक है सर पॉइंट क्लियर है जनरली नो आईटीसी मेरा क्वेश्चन आपसे यह है मैं बेच रहा हूं फूड मैंने एक फूड एंड बेवरेजेस वाले से सर्विस लिया गुड्स फूड खरीदा और फूड बेचा मेरा क्वेश्चन आपसे है क्या मेरे को क्रेडिट मिलेगा यस सर यहां आपको क्रेडिट मिलेगा बिकॉज़ फूड इज नॉट फूड फॉर यू फूड इज गुड्स फॉर यू चले आगे यस सर सुनिए मैं बेचता हूं अपने रेस्टोरेंट में मैं मेरा एक रेस्टोरेंट है मेरे रेस्टोरेंट में हम बेचते हैं पेप्सी कोका कोला मैंने जब एक बेवरेज वाले से पेप्सी कोका कोला खरीदा उसने मेरे को जीएसटी चार्ज किया क्या मेरे को क्रेडिट मिलेगा यस yes, सर मिलेगा क्योंकि आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो फूड एंड बेवरेजेस एक फूड एंड बेवरेजेस वाला अगर फूड एंड बेवरेजेस वाले को सर्विस देगा तो उसको क्रेडिट मिलेगा अगर आउटडोर केटरिंग वाला मैं हूं एक बड़ा केटरर मैंने लेविस की शादी का कॉन्ट्रैक्ट लिया है लेविस की शादी में केटरिंग मेरा ही होने वाला है ठीक है तो सर मैंने क्या किया मैंने सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर दिया मैंने बोला लेविस मैं पेस्ट्री वगैरह नहीं बनाता हूं मैं काम करता हूं मैं करवा देता हूं तो मैंने एक छोटे पर्सन छोटा छोटा जो कोई भी नॉट पर्सन मैं बोल कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है मां बोलती थी यस ओवर हियर कौन सी मूवी का डायलॉग था मैं तो भूल गया ठीक है मैंने एक आ, होम बेकर को बोला कि मैडम आप एक काम कीजिए लेविस बोल रहा है सर रईस का डायलॉग है ठीक है सर Uh, मैंने एक होम बेकर को बोला मैडम आप एक काम कीजिए आप अपना छोटा सा काउंटर मेरे केटरिंग में लगा लीजिए आप मेरे को, को, को क्रेडिट मिलेगा यस सर एक केटर, अगर दूसरे केटर को एनवाइस दे रहा है तो क्रेडिट मिलेगा सर सुनिए यहां एक एग्जांपल देता हूं ठीक है किसका एग्जांपल दिया जाए ये है अपना ये किसको बनाए सर यह है यहां पे बनाएंगे अंकित को ठीक है सर अंकित को बनाया है यस yes, यहाँ पे अंकित की होने वाली है शादी और अंकित के अंकित इज वेरी हैप्पी ठीक है एवरीवन अब क्या हुआ अंकित ने बुक किया एक ब्यूटिशियन को ठीक है सर अंकित ने बुक किया एक ब्यूटिशियन को मैडम अपना सूटकेस लेके आएंगे डेंटिंग पेंटिंग का सर्विस देंगे जो भी इसको एकदम ब्यूटीफुल बना देगी ठीक है ये आई इन्होंने जब इसको सर्विस दिया ठीक है जब इसका डेंटिंग पेंटिंग चल रहा था पूरा चेहरा एकदम चमकने लगा इसने बोला मैडम मेरे बाल देखिए ऐसे इतने गंदे लग रहे हैं आप कुछ कर दीजिए तो इन्होंने बोला सर मैं हेयर ट्रीटमेंट का सर्विस नहीं देती हूँ लेकिन मैं काम करती हूँ मैं एक दूसरे ब्यूटिशियन को बोलती हूँ सर कि आके आपका हेयर का डेंटिंग पेंटिंग कर दे ये जो ब्यूटिशियन था ये आया इसके हेयर को पूरा अच्छे से हेयर स्टाइलिस्ट बना के हेयर स्टाइल कर दिया अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है ये ब्यूटिशियन जब दूसरे ब्यूटिशियन को सर्विस देगा ये इसको जब बिल देगा क्या ये मैडम को क्रेडिट मिल जाएगा यस यस और नो वन वन टू टू अनदर अनदर क्या क्रेडिट मिल 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 जाएगा 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 सर हेल्थ सर्विसेज वाला टू अनदर हेल्थ सर्विसेज वाला क्रेडिट मिल जाएगा एक कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन टू अनदर कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन क्रेडिट मिल जाएगा अगर मैं रेंटिंग हायरिंग और लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल में हूं और मैंने किसी और से मोटर व्हीकल लिया है और फिर उसको रेंट किया है क्या मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा यस yes, सर अगर किसी और से मैंने मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट रेंट पे लिया है तो मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा एक मोटर व्हीकल वेसल रेंट आउट करने वाला अगर दूसरे को सर्विस देता है वो जीएसटी चार्ज करेगा मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि मैं फर्दर सेम सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा हूं क्विकली गिव मी गिवीट क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यस yes, सर ये पॉइंट हम सबको क्लियर है सुनिए बाबा अगर मैं अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में हूं अगर हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में हो जनरली अगर, अगर मैं जिसको सर्विस दूंगा उसको क्रेडिट नहीं मिलता है लेकिन अगर मैंने री इंश्योरेंस लिया एक लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस वाला अगर दूसरे लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस वाले को सर्विस देता है क्या इसको क्रेडिट मिल जाएगा यस yes, सर इसको क्रेडिट मिल जाएगा मतलब सब सेम कॉन्ट्रैक्ट सेम कैटेगरी अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग होता है तो क्रेडिट मिल जाता है क्विकली गिव मी गिवीट कैन वी गो हेड एवरी वन जल्दी बताइए क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यस सर सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे क्रेडिट अलाउड है उसके बाद ये बोल रहे हैं अगर दिया गया है एज एन एलिमेंट ये सारे सर्विस दिए गए हैं एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई तो सर आईटीसी मिलेगा सर ये तो समझ में नहीं आया मैं बताता हूं देखिए ये सब का क्रेडिट जनरली ये सब का क्रेडिट अगर

और इसको केटरिंग का सर्विसेज दे दिया यस yes, देखिए यहां पे एवरी मैं हूं एक इवेंट ऑर्गेनाइजर ठीक है और यहां है अपना दूल्हा दूल्हा कौन है सर द दूल्हा इज लावेश ठीक है बहुत खुश हो रहा है अभी तो ठीक है बेटा चलिए अब सुनिए मैंने क्या किया लावेश ने बोला सर आप एक काम कीजिए मेरी शादी में फूड एंड बेवरेजेस का काम आप ही ले लीजिए मैंने बोला ठीक है इवेंट मैनेजर हूं सब काम करूंगा मैंने एक फूड एंड बेवरेजेस वाले का सर्विस लिया टू गो एड एंड फर्दर सप्लाई हिम दिस सर्विस ठीक है मैं इवेंट मैनेजमेंट सर्विस दे रहा हूँ एवरी उसके बाद इसने बोला सर केटरिंग भी आप ही बैठा दीजिए मैंने बोला ठीक है मैंने एक आउटडोर केटर का सर्विस लिया क्यों क्योंकि मैंने इसको इवेंट मैनेजमेंट सर्विस दिया है ठीक है सर उसके बाद इसने बोला सर एक ब्यूटिशियन चाहिए थोड़ा डेंटिंग बेंडिंग करा दीजिए ना सर ये सारे आ, मैं थोड़ा ब्यूटीफुल बन जाऊं तो मैंने बोला ठीक है मैंने ब्यूटी ट्रीटमेंट का सर्विस लिया ताकि मैं फर्दर ये सप्लाई कर सकूं इसको ठीक है सर उसके बाद मैंने आ, हेल्थ छोड़ी छोड़िए कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी ये बोला बोला सर नाक थोड़ा सा है, सीधा करा में अच्छा मैंने क्या -क्या? उसके बाद लविश ने बोला सर मेरे को आना है एरोप्लेन में मेरी शादी में मैं एरोप्लेन में आऊंगा सर एरोप्लेन में आऊंगा सर और शादी में जंप करूंगा तो सर मैंने बोला ठीक है मैं एक एयरक्राफ्ट हायर कर लेता हूं ताकि आपको फर्दर दे सकू तो मैंने एक एयरक्राफ्ट हायर कर दिया रेंटिंग या रेंट कर लिया एयरक्राफ्ट को सर या फिर समझ लीजिए लावेश ने बोला सर मेरा होना चाहिए शादी लावेश और मेरे को चाहिए एक बीएमडब्ल्यू मैंने क्या किया रेंट कर लिया एक बीएमडब्ल्यू ताकि मैं फर्दर सप्लाई कर सकूं ठीक है सर उसने मेरे को बोला सर एक काम कीजिए ना शादी हो रहा है बहुत टेंशन का बात है लाइफ इंश्योरेंस भी लेके दे दीजिए <laughs> नहीं नहीं ठीक <laughs> है तो मैंने बोला ठीक है अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है मैंने फूड एंड बेवरेजेस का सर्विस लिया मैंने आउटडोर कैटरिंग का सर्विस लिया मैंने ब्यूटी ट्रीटमेंट कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी उसके बाद रेंटिंग ऑफ कार का सर्विस लिया क्यों सर क्योंकि मैं इवेंट मैनेजमेंट सर्विस दे रहा हूं इवेंट मैनेजमेंट सर्विस दे रहा हूं और उस उसपे मैं जीएसटी चार्ज करने वाला हूं मेरा क्वेश्चन आपसे यह है एज एन इवेंट मैनेजर क्या ये सबका क्रेडिट मेरे को मिलेगा यस और नो एवरी जल्दी बताइए क्या इन सब का इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे को मिलेगा यस yes, सर सारा क्रेडिट आपको मिलेगा बिकॉज यू हैव गॉन एंड प्रोवाइडेड यू हैव टेकन टेकन ऑल ऑल सर्विसेज सर्विसेज बिकॉज सर यू हैव एज एन एलिमेंट ऑफ ए टैक्सेबल मिक्स सप्लाई सर मैंने जो आपको दिया है ये एक्चुअली मैंने आपको एक मिक्स सप्लाई दिया है सारा बाबा ये ये आप या तो इसको कॉम्पोजिट बोल लो या आपको इसको मिक्स सप्लाई बोल रहे हो लेकिन क्या ये टैक्सेबल सप्लाई है यस सर ये टैक्सेबल सप्लाई है अगर ऑल दीज आर प्रोवाइडेड एज ए पार्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ टैक्स टैक्सिट सप्लाई और सप्लाई तो मैंने जो ये सारे सर्विस लिए हैं तो मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा क्विकली गिव मी हेड्स अप क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है ये सर पॉइंट क्लियर है चलिए बाबा एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं हूं एक होटल वाला ठीक है एक होटल वाला मैंने एक होटल आ, मेरा एक होटल है ठीक है मैंने क्या किया ये है लावेश लाविस ने एक रूम बुक किया है मेरी होटल में लाविस ने एक काम करते हैं शुड बॉयज फन ये है वैष्णवी मैडम ठीक है ये है वैष्णवी मैडम वैष्णवी मैडम ने एक होटल में एक रूम बुक किया है ठीक है अब होटल वाले क्या करते हैं बहुत सारे सर्विसेज देते हैं क्या करते हैं सर मैडम आपको एयरपोर्ट से पिकअप हम ही करा देंगे तो सर मैंने क्या किया एक मोटर व्हीकल रेंट पे लिया ताकि मैं इनको क्या कर सकू एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप दे सकूं इन्होंने बोला सर मैंने देखिए अकोमोडेशन सर्विस तो दिया ही है प्लस उसके साथ मैंने क्या किया इनको एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप भी दिया उसके लिए मैंने मोटर व्हीकल रेंट पे लिया इन्होंने बोला सर मेरे को समझ लीजिए मैंने इनको ठीक है मैं सिर्फ मोटर व्हीकल का ही एग्जाम्पल लेता हूँ मेरा क्वेश्चन आपसे यह है जब मैंने ओके होटल में अगर आप देखोगे ये जो होटल है इसमें क्या होता है ये लोग फूड एंड बेवरेजेस भी खरीदते हैं फूड एंड बेवरेजेस भी खरीदते हैं ताकि जो कस्टम जो रहने आए हैं एवरी जो रहने आए हैं उनको फूड एंड बेवरेजेस का सर्विस दिया जाए यस क्विकली बताइए मेरे को रूम में आप देखोगे कि खाने पीने का आइटम रहता है यस एवरी वन तो इन्होंने फूड एंड बेवरेजेस खरीदा ताकि जो रहने आए गेस्ट को फूड एंड बेवरेज का सर्विस दिया जाए मतलब जो भी खाने पीने का आइटम है वो दे सके मेरा क्वेश्चन आपसे ये है इन्होंने इन्होंने क्या किया था मेरे को टेन थाउजेंड रुपीज पे किया था फॉर बुकिंग द रूम जिसमें मैंने इनको एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप दिया कुछ खाने पीने का पानी वगैरह जो भी भी था वो भी सप्लाई किया है क्विकली बताइए क्या मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा इनका जनरली तो फूड एंड बेवरेजेस पे क्रेडिट ब्लॉक्ड है जनरली तो मोटर व्हीकल रेंटिंग पे क्रेडिट ब्लॉक है लेकिन आपका आउटवर्ड सप्लाई का एज एन एलिमेंट आपने इसको सप्लाई किया है

टू प्रोवाइड ए कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई विच टैक्सेबल तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा ये सारे सर्विस का भी ठीक है सर आगे चलते हैं मैंने अपने को बोला आप लोगों ने बहुत मेहनत की है आप एक काम कीजिए मैं आपके लिए क्लब मेंबरशिप लेके आप लोगों को देता हूं जाइए फैमिली के साथ आराम से रिलैक्स कीजिए क्विकली बताइए मेरे को मैंने लिया है क्लब का मेंबरशिप क्या मेरे को क्रेडिट मिलेगा क्लब मेरे को जीएसटी चार्ज करेगा क्या मेरे को क्रेडिट मिलेगा उसका नहीं मिलेगा मैंने अपने मैंने अपने डायरेक्टर को बोला डायरेक्टर जाइए क्लब का गोल्फ कोर्स का मेंबरशिप लीजिए गोल्फ खेलोगे लोगों से मिलोगे करोगे बिजनेस बढ़ेगा तो मेरा जो मैनेजर मेरा जो डायरेक्टर था वो गोल्फ खेलने के लिए गोल्फ क्लब गया गोल्फ क्लब का मेंबरशिप पे उन्होंने दस लाख रुपए प्लस जीएसटी चार्ज किया है क्या मेरी कंपनी को क्रेडिट मिलेगा जल्दी बताइए मेरे को क्या मेरे को इसका क्रेडिट मिलेगा नहीं सर नहीं मिलेगा नेक्स्ट सर उसके बाद मैंने अपने डायरेक्टर को बोला हो गए हो बहुत मोटे चलिए जाइए और जिम ज्वाइन कर लीजिए डायरेक्टर गया जिम ज्वाइन कर लिया हेल्थ एंड फिटनेस का सर्विसेज लिया है क्या वो जब बिल ला के कंपनी को देगा क्या कंपनी को क्रेडिट मिलेगा बताइए मेरे को यहां बोला है हेल्थ एंड फिटनेस सर्विस पे कभी भी क्रेडिट नहीं मिलेगा यस yes, सर पॉइंट क्लियर है एवरीथिंग टोल्ड इन क्लास इज ओनली फॉर क्लासरूम पर्पज प्रैक्टिकल रेलिवेंट कुछ भी नहीं है ठीक है सर मैंने बोला डायरेक्टर बाबा मोटापा के लिए नहीं मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोला है ठीक है नो नोट टेक इट टू हार्ट एवरी वन ओवर नाउ एवरी थिंग टोल्ड इन क्लास इज ओनली फॉर क्लासरूम पर्पज ठीक है सर नेक्स्ट सर मैंने बोला आप डायरेक्टर फिट नहीं हो आप जाइए जिम जाइए फिट हो जाइए तो उस वो जिम गया जिम से मेरे को बिल लाके दिया बिल में जीएसटी चार्ज किया होता मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा ठीक है सर पॉइंट क्लियर है

टिकेट uh, जितना का चार्ज किया उस पर जीएसटी चार्ज करके दे दिया क्विकली बोलिए है उनका जो भी बिल आएगा उस पर जो भी जीएसटी लगा होगा उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा लेकिन मेरे को एक बात बताइए ट्रैवल बेनिफिट टू तो एम्प्लॉय वो, वो जब बिल लाके देंगे क्या आपको क्रेडिट मिलेगा उसका सर अगर ऑफिशियल पर्पज का बिल है तो उसका क्रेडिट मिलता है यस सर पॉइंट क्लियर है चलिए आगे चलते हैं अब सुनिए अब गवर्नमेंट ने एक पॉइंट मेंशन किया गवर्नमेंट ने बोला देख रमेश यूं तो इसका इसका और इसका क्रेडिट नहीं मिलता है जनरली तो इसका क्रेडिट नहीं मिलता है लेकिन अगर ये तीनों सर्विस दिए गए एज एन ऑब्लिगेशन अंडर द लॉ ऑब्लिगेशन अंडर द लॉ मतलब कोई भी लॉ में लिखा हुआ है फॉर एन एग्जाम्पल फैक्ट्रीज एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको अपने एम्प्लॉय को केटरिंग सर्विस देना है तो गवर्नमेंट ने बोला है इफ इट इज ऑब्लिगेटरी अंडर एनी लॉ बेसिकली तो फॉर एम्प्लॉयर टू टू प्रोवाइड एम्प्लॉय तो सी मिल जाएगा सर अगर ये ये और ये सर्विसेज आपने दिए हैं क्यों दिए हैं क्योंकि आप अपना ऑब्लिगेशन अंडर लॉ फुलफिल कर रहे थे तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा क्विकली बोलिए क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यस सर पॉइंट क्लियर है मैंने आउटडोर केटरिंग का सर्विस लिया क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट बोलता था कि आपको केटरिंग का सर्विस अपने एम्प्लॉयज को देना पड़ेगा तो सर अगर मैंने आउटडोर केटरिंग का सर्विस लिया है टू फुलफिल माय ऑब्लिगेशन अंडर द लॉ तो मेरे को क्रेडिट मिलेगा लॉ बोलता है फॉर एन एग्जांपल वेन एवर ए वीमेन एम्प्लॉय इज लिविंग आफ्टर टेन ओ क्लॉक उसको आपको रेंट का कैब का सर्विस देना पड़ेगा अगर मैंने कैब का सर्विस दिया है टू फुलफिल माई ऑब्लिगेशन अंडर द लॉ क्या मेरे को क्रेडिट मिलेगा एवरी वन यस सर क्रेडिट मिलेगा नेक्स्ट मैंने लॉ uh, बोलता है अगर आप एक माइनिंग कंपनी हो तो अपना एम्प्लॉयज का लाइफ इंश्योरेंस लीजिएगा मैंने लॉ फुलफिल लॉ का ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस का सर्विस लिया है फॉर माई एम्प्लॉयज क्या मेरे को क्रेडिट मिलेगा एवरी वन यस yes, सर अगर आपने कोई भी ऑब्लिगेशन अंडर द लॉ फुलफिल करने के लिए ये सर्विसेज लिए हैं तो आपको क्रेडिट मिलेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगर लॉ में बोल दिया कि एम्प्लॉयज को वेकेशन पे भेजना जरूरी है लॉ में बोल दिया कि आपने एम्प्लॉयज के लिए क्लब मेंबरशिप लेना है तो क्या मेरे को क्रेडिट मिलेगा एवरीवन जल्दी बताइए यस सर क्रेडिट मिलेगा क्योंकि आप कर रहे हो अपना ऑब्लिगेशन अंडर लॉ फुलफिल कर रहे हो उसके लिए जो भी टैक्स दिया है उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा नेक्स्ट एवरीवन ओवर हियर नाउ तो एक बात बताइए मेरी कंपनी में मेरी कंपनी थी हमारा मेन काम था समझ लीजिए कुछ भी बोतल बना के बेचना ठीक है लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे एक छोटा सा कैंटीन खोल दिया और कैंटीन में अपने एम्प्लॉइज को ना खाना बेचते हैं हम बहुत ही नोमिनल अमाउंट में ₹10 का खाना ₹10 में ही बेच देते हैं हम खाना खरीदते हैं और खाना बेचते हैं मेरा क्वेश्चन आपसे यह है या हम सिलेंडर वगैरह लाते हैं खाना बनाते हैं और खाना बेचते हैं अपने एम्प्लॉय को मेरा क्वेश्चन आपसे यह है जब हम खाना बेच रहे हैं क्या वो सप्लाई है क्या वो सप्लाई है एवरी क्विकली बताइए सर ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई गुड सर्विसेज और बोथ मेड और अग्रीड टू बी मेड

क्या मेरे को उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा एवरी वन सर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा ये है रमेश सोनी क्लासेस हमने क्या किया अपने जो बच्चे आते थे क्लास में उनके लिए एक छोटा सा कैंटीन खोल दिया जिसमें हम उनको मैगी वगैरह बेचते हैं दस रुपए में अब ये मैगी जो मैं बेच रहा हूँ वो सप्लाई है उस पर जीएसटी आ रहा है तो मैंने गवर्नमेंट को पूछा कि जो मैं फूड आइटम खरीद रहा हूं जो मैं सिलेंडर वगैरह खरीद रहा हूं उस पर जो भी जीएसटी लगाए क्रेडिट मिलेगा गवर्नमेंट ने बोला यस सर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल क्विकली गिव मी गिड्स कैन आई गो अहेड यस सर पॉइंट क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन ओवर हियर नाउ देखिए मैंने ये सर्कुलर को यहाँ भी डाला है फूड एंड बेवरेज सप्लाइड बाई ऑफिस कैंटीन फॉर नॉमिनल चार्जेस कैटरिंग सर्विस है टैक्सेबल है जो सिलेंडर वगैरह खरीदोगे उस पर क्रेडिट मिल जाएगा ठीक है सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एवरी वन ओवर क्या आपको मालूम है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस क्या होता है वर्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस वो होता है जो आपने लिया है अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इज ऑलवेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने बोला अगर रमेश आपने लिया है वर्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस तो सर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमोल प्रॉपर्टी आईटीसी नहीं मिलेगा मैंने समझ लीजिए रवि को बोला रवि कौन है सर रवि एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है रवि ने बोला सर मेरे को मैं ही material मैं ही मटेरियल लाऊंगा बाबा बेसिकली मैंने उसको ठेके पे दे दिया काम उसने बोला सर मैं ही मटेरियल लाऊंगा मैं ही लेबर लाऊंगा और मैं आपके लिए बिल्डिंग बना दूंगा बिल्डिंग इज एन इमोवेबल प्रॉपर्टी ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे मेरे को दस लाख रुपया प्लस जीएसटी एटीन परसेंट वन पॉइंट एट लाख रुपीज चार्ज किया मेरा क्वेश्चन आपसे ये है क्या मेरे को क्रेडिट मिलेगा क्विकली बताइए मेरे को क्या मेरे को इसका क्रेडिट मिलेगा नहीं सर नहीं मिलेगा गवर्नमेंट ने सिंपल बोला है वर्ष कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अगर ले रहे हो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा अगर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लिया है अब सुनिए अब इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बोलूं मेरा एक फैक्ट्री था मेरा फैक्ट्री था उसमें मैंने क्या किया मैंने रवि को बोला रवि एक काम करना मेरे को एक मशीन चाहिए रवि ने बोला कैसा मशीन मैंने बोला बॉयलर चाहिए बॉयलर जिसमें हम आयरन वगैरह बॉयल करें तो इसने बोला सर हवा में तो आएगा नहीं उसको लट उसको लटका नहीं सकते हैं उसको जमीन में लगाना पड़ेगा मेरा कुछ अरे बाबा ये ट्रॉफी नहीं है ये बॉयलर है बॉयलर बॉयलर मशीन ठीक है अब रवि ने क्या किया बॉयलर मशीन लाया और उसको इंस्टॉल भी कर दिया तो इसने मेरे को इम बाबा एनीथिंग अटैच टू द अर्थ इज वॉट क्विकली बताइए मेरे को एनीथिंग अटैच टू द अर्थ इज वॉट इट इज इमोबल याद रखिएगा डेफिनेशन पढ़ाया था मैंने आपको ये yes, सर ये है इमोबल प्रॉपर्टी अब इसने जो मेरे को सर्विस दिया है ये रिलेट इन रिलेशन टू इमोबल प्रॉपर्टी है यही मटेरियल लाया यही लेबर लगाया इसने मेरे से चार्ज किया दस लाख रुपया फॉर द मटेरियल एंड लेबर मतलब ये जो मशीन था ये भी यही ये लाया मशीन का कंस्ट्रक्शन करके यहां पे लगाया भी इसने पूरा काम इसी ने किया है मटेरियल प्लस लेबर के लिए दस लाख रुपया लिया है क्विकली बताइए इस पे इसने जीएसटी वन पॉइंट एट लाख चार्ज किया है क्या मेरे को क्रेडिट मिलेगा क्या मेरे को क्रेडिट मिलेगा गवर्नमेंट ने बोला यू तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया है तो नहीं मिलेगा लेकिन अगर इमोबल प्रॉपर्टी है प्लांट एंड मशीनरी तो सर आपको क्रेडिट मिल जाएगा क्विकली गिव मी अप क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यू तो क्रेडिट नहीं मिलता है लेकिन अगर आपने लिया है वर्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर प्लांट एंड मशीनरी सर इमूवेबल प्रॉपर्टी तो अगर प्लांट एंड मशीनरी अटैच टू द अर्थ है तो वो भी इमूवेबल हो गया ना गवर्नमेंट ने बोला नहीं बाबा नहीं हमारा इंटेंशन प्लांट एंड मशीनरी पे क्रेडिट देना है मैंने बोला सर अटैच टू दर्थ इमूवेबल हो गया क्रेडिट कैसे लो तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्रेडिट नहीं है लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है प्लांट एंड मशीनरी है तो क्रेडिट आपको मिलेगा क्विकली गिव मी अप क्या पॉइंट क्लियर है आगे बढ़ा जाए जल्दी बताइए एवरीवन क्या आपको क्लियर है यस सर पॉइंट क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं सर सुनिए एवरी वन ओवर हियर नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं लविश बोल रहा है अनलेस अनलेस आपने वो जीएसटी को सर आपने जो मशीनरी पे जीएसटी दिया है उस मशीनरी के जीएसटी को अगर आपने कैपिटलाइज करके डेप्रिशिएट कर लिया तो आईटीसी नहीं मिलेगा ठीक है बाबा लवेस चलिए अभी सिंपल बात करते हैं कॉम्प्लिकेटेड बात बाद में करेंगे मैंने बोला वर्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया फॉर रिमूवल प्रॉपर्टी क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर लिया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी तो क्रेडिट मिलेगा चाहे प्लांट एंड मशीनरी इमोबल हो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है मैं बना रहा था एक बिल्डिंग मैं हूं एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर मैं ये बिल्डिंग बना रहा था अब बिल्डिंग में जो ये फ्लोरिंग का काम है ना ये मेरे को नहीं आता है तो मैंने क्या किया एक और वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि क्या सर आप मेरे लिए ये फ्लोरिंग का काम कर दोगे इसने मेरे को एनवाइस दिया मैं फर्दर इन देने वाला हूं वर्क कॉन्ट्रैक्ट जिसपे जीएसटी चार्ज करूंगा तो मैंने को मेरे को मेरे जब एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर ने सर्विस दिया क्या मेरे को ये बिल में जीएसटी चार्ज करेगा यस yes, सर इसने जीएसटी चार्ज किया है क्या इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे को मिलेगा एवरी वन वर्क कॉन्ट्रैक्टर टू वर्क कॉन्ट्रैक्टर क्या क्रेडिट मिलेगा यस सर क्रेडिट मिलेगा पॉइंट क्लियर है सर चलिए आगे बढ़ते हैं एवरी वन ओवर नाउ यहां क्या बोला गया है फर्दर वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब सब कॉन्ट्रैक्टिंग का तो आपको क्रेडिट मिलेगा चलिए आगे बढ़ते हैं मैंने बोला सर अगर मैं अगर मैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं तो आपने बोला है कि आप क्रेडिट नहीं दोगे मैं हूं बहुत चालू मैंने बोला सर मैं एक काम करूंगा मैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं लूंगा मैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लूंगा मैं क्या करूंगा मैं मटेरियल खरीद के लाऊंगा मैं सीमेंट वगैरह खरीद के लाऊंगा और सर मैं आर्किटेक्ट का सर्विस लूंगा मैं लेबर का सर्विस लूंगा और मैं बिल्डिंग खुद बना लूंगा गवर्नमेंट ने बोला चाहे वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे बनवाओ या खुद बनाओ क्रेडिट नहीं मिलेगा देखिए अगर गुड्स सर्विसेज और बोथ रिसीव मैंने गुड्स भी लिए है सर्विस भी लिए है या दोनों का कोई कॉम्बिनेशन लिया है बाई ए टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोवल प्रॉपर्टी ऑन ओन अकाउंट मैंने बोला मैं खुद ही बना लूंगा सर मैं लेबर को लाऊंगा मैं आर्किटेक्ट का सर्विस लूंगा मैं मटेरियल खरीदूंगा मैंने लेबर सर्विस लिया मैंने आर्किटेक्ट का सर्विसेज लिया मैंने मटेरियल खरीदा सब सर्विसेज लेके मैंने एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया मेरा क्वेश्चन आपसे ये है क्या मेरे को क्रेडिट मिलेगा ये जो मटेरियल खरीदा है इस पे क्या इनपुट टैक्स रेट मिलेगा आर्किटेक्ट ने जो जीएसटी चार्ज किया आईटीसी मिलेगा सर लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने मेरे को जो जीएसटी चार्ज किया है क्या मेरे को आई टी मिलेगा गवर्नमेंट ने बोला बेटा वह कॉन्ट्रैक्टर से कराओगे तो भी नहीं मिलेगा खुद कर लोगे तो भी नहीं मिलेगा इज यह पॉइंट सबको क्लियर है यस सर पॉइंट क्लियर है चलिए आगे चलते हैं एवरी वन ओवर हियर नाउ सुनिए मैंने बोला सर मैं एक काम करता हूं मेरे को अपने ऑफिस में एक मशीन बनवाना है मैंने क्या किया बॉयलर का बॉयलर मशीन खरीदा सर ये मशीन मैंने खरीदा मैंने कुछ लेबर कॉन्ट्रैक्टर का भी सर्विस लिया मैंने मशीन भी खरीदा मैंने लेबर कॉन्ट्रैक्टर का सर्विस भी लिया उसने मेरे से जीएसटी चार्ज किया है क्विकली बोलिए क्या है, ये जीएसटी का क्रेडिट मेरे को मिलेगा यस और नो एवरी सिंपल है सर मशीन के लिए चाहे वो इमोबल हो सर लेकिन क्रेडिट कभी ब्लॉक नहीं है सर अगर आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी सर तो अगर एंड मशीनरी है तो क्रेडिट मिल जाएगा क्विकली बोलिए क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यस सर पॉइंट क्लियर है मेरा क्वेश्चन आपसे है आंसर बताओगे यस सर कोशिश जरूर करेंगे आप पूछिए मैं हूं एक बिल्डर बाबा बॉडी बिल्डर नहीं मैं क्या करता हूं मैं बिल्डिंग बनाता हूं ठीक है मैं बिल्डिंग्स बनाता हूं देखिए अगर मैंने बिल्डिंग अपने ओन यूज के लिए बनाया है मैं हूं रमेश सोनी क्लासेस हमने अपने यूज के लिए एक बिल्डिंग बनाया तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा मैंने क्या किया मैंने मटेरियल खरीदा मैंने लेबर सर्विसेज लिया मैंने आर्किटेक्ट का सर्विस लिया और हमने क्या किया हम है रियल एस्टेट डेवलपर और हमने क्या किया हमने फर्दर आपके लिए बिल्डिंग बनाया है ये हमने अपने यूज के लिए नहीं बनाया हमने बेचने के लिए बनाया क्विकली बोलिए क्या मेरे को ये सब का क्रेडिट मिल जाएगा एवरी वन क्विकली बताइए अगर आपने मटीरियल लेबर का सर्विसेज लिया आर्किटेक्ट का सर्विस लिया उस पर जो भी जीएसटी चार्ज किया है क्या आपको क्रेडिट मिलेगा यस यह सर यहां तो आईटीसी मिलने का कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम ही नहीं है किसको क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर उसने मेरे को ये बिल्डिंग बना के दिया तो मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा लेकिन सर जो एक रियल एस्टेट डेवलपर होते हैं वो अपने ही उसके लिए नहीं बनाया उसने फर्दर सप्लाई करने के लिए बनाया है तो उसको आईटीसी मिलेगा क्विकली बोलिए क्या ये सबको क्लियर क्लियर है yes, there, है यस सर पॉइंट चलिए आगे बढ़ते हैं ओवर हियर नाउ अब सुनिए अब मैंने इतनी देर से आपको बोला प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी ये प्लांट एंड मशीनरी का एक डेफिनेशन दिया है इन्होंने चलिए क्विकली डेफिनेशन समझ लेते हैं एक्सप्लेनेशन <coughs> है सेक्शन नंबर सेवेंटीन फाइव में जो बोलता है प्लांट एंड मशीनरी मीन्स आप बोलो तो भी प्लांट एंड मशीनरी है कोई इक्विपमेंट बोलो तो भी वो प्लांटेड मशीनरी है कोई मशीन बोलो तो भी वो प्लांट एंड मशीनरी है।, तो है मैंने क्या किया अपने बिल्डिंग में एक बॉयलर बॉयलर लगवाया ये बॉयलर यहां बाबा ये ट्रॉफी वाला कप नहीं है ये बॉयलर मशीन है बॉयलर ठीक है इन्होंने बोला है चाहे वो ऑपरेटर्स हो चाहे वो कोई इक्विपमेंट हो चाहे वो कोई मशीनरी हो सर ये है मशीनरी क्या ये प्लांट मशीनरी है यस yes, सर ये प्लांट मशीनरी है सर, अगर ये fixed to earth by foundation, and, सर, इसको मैंने फिक्स टू अर्थ कर दिया है बाय ए फाउंडेशन ठीक है ओके okay, सर एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट यूज फॉर आउटवर्ड सर इसको मैंने फिक्स टू अर्थ कर दिया समझ लीजिए सपोर्ट वगैरह दे दिया और सर ये सपोर्ट वगैरह लगा दिया है यहाँ पे फाउंडेशन लगा दिया है तो गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि सर एक मशीन अगर स्ट्रक्चरल सपोर्ट फाउंडेशन से लगाया गया तो भी वो प्लांट एंड मशीनरी है देखिए ये बोल रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी मींस क्या मतलब होता है अपार्ट इक्विपमेंट मशीनरी और विच इज फिक्स टू दर्थ बाय ए फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट यूज फॉर इसको आप क्यों यूज कर रहे हो इसको आप यूज क्यों कर रहे हो फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड इसका आप यूज कर रहे हो अपने आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ में तो गवर्नमेंट ने बोला है इसको हम बोलेंगे एंड यूज फॉर आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ तो हम इसको बोलेंगे प्लांटेड मशीनरी एंड प्लांटेड मशीनरी इंक्लूड्स बाबा एक बात बताइए मेरे को ये है मशीनरी अपना ये है प्लांट एंड मशीनरी यस क्विकली बोलिए मेरे को ये जो बॉयलर मशीन है ये है प्लांट एंड मशीनरी यस एवरी वन यस सर ये जो बॉयलर मशीन है ये है प्लांट एंड मशीनरी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट और फाउंडेशन है ये जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट दिया गया है ये जो फाउंडेशन है क्या ये भी प्लांट एंड मशीनरी है उन्होंने बोल दिया कि सर इंक्लूड्स फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट मतलब जो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट और फाउंडेशन है इसको भी मान लिया गया है कि ये भी प्लांट एंड मशीनरी ही है मेरा क्वेश्चन आपसे ये है मैंने बॉयलर मशीन उस पर जीएसटी दिया क्या मेरे को इसका क्रेडिट मिलेगा क्विकली बोलिए क्या मेरे को क्रेडिट मिलेगा बॉयलर मशीन का यस सर बॉयलर मशीन जो आपने खरीदा है उसका क्रेडिट मिलेगा मैंने एक वर्स कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया और बोला बेटा मेरे पास मशीन है आप आइए आप स्ट्रक्चरल सपोर्ट और फाउंडेशन लगाइए और चले जाइए उसने मेरे से बिल में जीएसटी चार्ज किया फॉर द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या मेरे को क्रेडिट मिलेगा क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी ही है क्योंकि स्ट्रक्चरल सपोर्ट और फाउंडेशन को भी प्लांट एंड मशीनरी ही मान लिया गया है एंड चाहे आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लो चाहे आप अपने आप बनाओ तो भी आपको क्रेडिट मिलेगा यस सर पॉइंट क्लियर है लेकिन इन्होंने कुछ स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है इन चीजों को इन्होंने बोला है हम क्रेडिट नहीं देंगे मतलब इन चीजों को एक्सक्लूड कर दिया गया है सुनिए मैंने ये बॉयलर मशीन बिठाया तो सर एक बात बताइए नीचे जो लैंड है लैंड है क्या ये भी ये भी आप बोल दोगे स्ट्रक्चरल सपोर्ट फाउंडेशन में आ जाएगा गवर्नमेंट ने बोला है एक्सक्लूड द लैंड मैंने बोला सर ये जो बिल्डिंग बना हुआ है ये भी प्लांट एंड मशीनरी है गवर्नमेंट ने बोला लैंड एंड बिल्डिंग कभी भी प्लांट हो नहीं होगा आपने बोला मैंने मशीन के ऊपर एक शेड बनवा दिया सिविल स्ट्रक्चर्स ये जो सिविल स्ट्रक्चर्स है इसको कभी भी कभी भी हम प्लांट एंड मशीनरी में इंक्लूड नहीं करेंगे देखिए यहां क्या बोला है जो भी लैंड एंड बिल्डिंग एंड सिविल स्ट्रक्चर है वो कभी भी प्लांट एंड मशीनरी नहीं होगा याद रखिएगा ये जो नीचे का लैंड है लैंड को प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानते हैं सर आपने क्या किया बॉयलर बनवाया बॉयलर के चारों तरफ पूरा शेड ही बनवा दिया गवर्नमेंट ने बोला शेड को हम प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानेंगे क्विकली गिव मी हेड्स अप क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है सबको जल्दी 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 बताइए क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यस सर पॉइंट क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सर टेलीकोम्युनिकेशन टावर को कभी भी प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानेंगे गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली टेलीकोमुनिकेशन टावर के लिए बोला देखिए ये रिलायंस है रिलायंस ने क्या किया एक रिलायंस ने क्या किया एक टावर बनवाया टेलीकोम्युनिकेशन टावर रिलायंस ने एक टेलीकोम्युनिकेशन टावर बनाया तो सर रिलायंस को जब ये टेलीकोम्युनिकेशन टावर बनवाया तो जिसने सर्विस दिया उसने क्या किया मटेरियल वगैरह खरीद के लाके सर मटेरियल प्लस लेबर अपना लगाया और रिलायंस को एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का बिल दिया कि दस लाख रुपए टावर बनाने का जीएसटी वन पॉइंट एट लाख मेरा क्वेश्चन आपसे ये है क्या रिलायंस को टेलीकोम्युनिकेशन टावर पे क्रेडिट मिलेगा गवर्नमेंट ने बोला है टेलीकॉम टावर पे टेलीकॉम टावर पे हम क्रेडिट नहीं देंगे इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि टेलीकोम्युनिकेशन टावर पे टेलीकोम्युनिकेशन टावर पे हमारा क्रेडिट देने का इंटेंशन नहीं है मेरा क्वेश्चन आपसे ये है अरे ये टेलीकोम्युनिकेशन टावर के ऊपर बहुत सारा आपने देखा होगा इक्विपमेंट्स लगता है रिलायंस ने क्या किया एक पर्सन टेली टेली से टेलीकॉम इक्विपमेंट खरीदा टेलीकॉम इक्विपमेंट्स मेरा क्वेश्चन आपसे ये है इसने इनको जीएसटी चार्ज किया क्या इसका क्रेडिट मिलेगा अरे सर ब्लॉक किया है गवर्नमेंट ने टावर पे credit, पे क्रेडिट, इक्विपमेंट थोड़ी ब्लॉक किया है बच्चे क्या करते हैं? में देखते हैं। टेलिकॉम, टेलिकॉम गया। अगर है, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल रिलायंस ने बोला हम टेलीकोमेशन टावर वर्क कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं खुद ही मटेरियल खरीदेंगे खुद ही लेबर बुलाएंगे और टेलीकोमुनिकेशन टावर बना देंगे बोलिए बाबा वो जो मटेरियल और लेबर आपने लिया है क्या उसका क्रेडिट आपको मिलेगा नहीं मिलेगा चाहे आप वर्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाओ या चाहे खुद बनाओ क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है प्लांट एंड मशीनरी से हमने एक्सक्लूड कर दिया है लैंड एंड बिल्डिंग एंड सिविल स्ट्रक्चर एंड टेलीकोम्युनिकेशन टावर बाबा लिख के रख ले अगर इक्विपमेंट होगा तो मैं ध्यान रखूंगा आईटीसी मिलेगा यस सर पॉइंट क्लियर है चलिए बाबा जल्दी बताइए आगे बढ़ सकते हैं यस yes, सर आगे बढ़िए चलते हैं आगे चलिए यहां है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एवरी वन ओवर हियर ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इनका एक मशीन है यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है एक मशीन अब मशीन जो है ना ये मशीन में एलपीजी गैस प्रोड्यूस होता है ठीक है और ये मशीन का एक पाइपलाइन है अब ये पाइपलाइन से घर घर में हम क्या करते हैं गैस सप्लाई करते हैं एलपीजी गैस सप्लाई करते हैं गवर्नमेंट ने बोला है रमेश देखिए हम जो आपने पाइपलाइन आउटसाइड दी लगाया है ना उसका क्रेडिट आपको नहीं देंगे गवर्नमेंट ने बोला है पाइपलाइन अगर मशीन के साथ इनसाइड साइड फैक्ट्री है तो क्रेडिट मशीन का भी ले लेना यह पाइपलाइन का भी ले लेना लेकिन ये जो आउटसाइड दी आपका पाइपलाइन है ना इसका क्रेडिट आपको हम नहीं देंगे देखिए पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रमाइसिस उसका गवर्नमेंट ने बोला है क्रेडिट नहीं देंगे समझ लीजिए मेरी फैक्ट्री से एक सीवेज लाइन जाता है यहाँ से रिवर के ये ये है 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 रिवर 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 ठीक है? है रिवर ठीक याद करिए मैंने क्या किया एक सीवेज लाइन निकाल के ये ड्रेनेज था बड़ा ड्रेनेज था दूर मैंने क्या किया यहां से कनेक्ट कर दिया ये जो पाइपलाइन इनसाइड साइड फैक्ट्री है उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा पाइपलाइन आउटसाइड दी जितना आपने डाला है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा पाइपलाइन जो आउटसाइड दी फैक्ट्री है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा क्विकली गिव मी हेड्स अप क्या ये सबको क्लियर है यस सर पॉइंट हमें क्लियर है कोई टेंशन नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं एवरी वन ओवर ये हो गया प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे समझ लीजिए मैंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया ठीक है मैंने क्या किया मैंने एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया ये मेरा ऑफिस था ऑफिस में क्या हुआ यह जो आ, ये बेसिन था ऑफिस में लगा हुआ ठीक है बेसिन का एक टैप टूट गया यहाँ पे ठीक है बेसिन का एग्जांपल नहीं लेंगे ठीक है बेसिन जो था दैट वाज अटैच टू द बिल्डिंग मेरा क्वेश्चन आपसे यह है जब बेसिन को अटैच कर दिया बिल्डिंग में वो इमूवेबल है यस और नो क्विकली बोलिए जब बेसिन इज ऑलरेडी अटैच्ड तो क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसमें बाबा हाथ वगैरह धोते हैं यस सर वो इमूवेबल है मैंने क्या किया मैंने यहाँ हायर किया एक पर्सन को उसको बोला बेटा एक काम करना ये बेसिन टूट गया है आप एक काम कीजिए एक नया वॉश बेसिन खरीद के लाइए प्लस अपना ही लेबर लगाइए ठेके पे दे दिया उसको काम बोला ये वॉश बेसिन नया कर दीजिए यही मेटेरियल लाया यही लेबर लाया और वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दिया मेरे को चार्ज किया दस हजार रुपए प्लस जीएसटी दो हजार रुपए मैंने

तो ही वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग इमोबल प्रॉपर्टी ब्लॉक्ड है अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया है जिसको आप कैपिटलाइज नहीं कर रहे हो पी एल में डाल रहे हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ये दो हजार रुपए का मिल जाएगा क्विकली बताइए क्या पॉइंट आपको क्लियर है जल्दी बताइए आगे बढ़ते हैं यस सर पॉइंट क्लियर है सुनिए मेरे को एक बात बताइए मैंने वर्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं लिया मैंने बोला ये वॉश बेसिन टूट गया है मैंने क्या किया वॉश बेसिन खरीदा वॉश बेसिन जब खरीदा तो जिससे खरीदा उसने 8, लिया प्लस जीएसटी मेरे से वन थाउजेंड लिया मैंने एक लेबरर को बुलाया लेबरर ने मेरे वन थाउजेंड लिए और जीएसटी यहाँ पे दो सौ रुपया लिया मेरे को एक बात बताइए मैंने वर्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं लिया है लेकिन मैंने मटेरियल और लेबर खरीदा है लेबर को लाया है फॉर एन इमोबल प्रॉपर्टी क्या मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा अगर मैं इसको भी पी एंड एल में डाल दू इसको भी पी एंड एल में डाल दू क्या मेरे को 1200 का क्रेडिट मिलेगा कैपिटलाइज नहीं किया है अगर कैपिटलाइज नहीं किया है तो गवर्नमेंट ने बोला है अगर आपने कैपिटलाइज नहीं किया है इसका और इसका क्रेडिट आपको ट्वेल्व हंड्रेड का क्रेडिट मिल जाएगा बेसिकली आपने क्या किया इन अमाउंट को डाला है पी एंड एल में अगर वर्स कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे आपने गुड सर्विसेज एंड बोथ लिए हैं इमुवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड तो क्रेडिट ब्लॉक्ड है तो कब जब आपने उसको कैपिटलाइज किया है अगर आपने उसको एक्सपेंस ऑफ कर दिया है में तो बेटा एक्सपेंस में डाल दीजिए पीएनएल और जितना जीएसटी है उसका क्रेडिट ले लीजिए क्विकली गिव मी हेड्स अप पॉइंट क्लियर है यस सर पॉइंट क्लियर है एट सी ए फाइनल लेवल सी एंड डी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा चलिए अब टोटल बकवास है क्विकली बताइए मेरे वो जो सामने वाले पार्टी ने कॉम्पोजिशन टैक्स दिया है उसका क्रेडिट क्या मेरे को मिलेगा कॉम्पोजिशन टैक्स का क्रेडिट क्या मेरे को मिलता है सर नहीं मिलता है यही देखिए यही लिखा हुआ है टैक्स पेड अंडर सेक्शन नंबर डीलर ने जो टैक्स दिया है उसका क्रेडिट रिसीबेंट को नहीं मिलेगा अरे सर कैसे मिलेगा कॉम्पोजिशन टैक्स पर्सन तो मेरे को बिल ऑफ सप्लाई देगा बिल ऑफ सप्लाई का क्रेडिट नहीं मिलता है ठीक है क्या आपको याद है एनआरटीपी या आपको एक एनआरटीपी याद है चलिए तो मैंने बोला मैं हूं एक एनआरटीपी मैं इंडिया आया हूं एनआरटीपी एक यूएस से आया नॉन रेजिडेंट सर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है वो यूएस से अपना गुड्स लेके इंडिया आया बोला एक, एक, एक एग्जीबिशन था मैं एग्जीबिशन में दुकान लगाऊंगा उसने एग्जीबिशन में दुकान लगाया इंडिया से बाहर से गुड्स लेके आया तो बिल ऑफ एंट्री जब फाइल करेगा तो ऑफ एंट्री फाइल करने पे कस्टम ड्यूटी प्लस आईजीएसटी देगा जो गुड्स आए हैं इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स पे कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी देगा ठीक है सर सर इंडिया में आया तो सर, because he is a registered person, क्या उसको registration लेना पड़ता है yes, सर, NRTP को registration five days prior लेना पड़ता है तो सर उसने जब शॉप रेंट पे लिया ना तो शॉप जब रेंट पे लिया वो ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड पर्सन है जब उसने शॉप रेंट पे लिया तो एग्जीबिशन वालों ने फोर्टी थाउजेंड रुपीज प्लस एट थाउजेंड का जीएसटी चार्ज किया अब सुनिए पहला का दिया। ने बोला इसको, ये है एनआरटीपी गवर्नमेंट ने बोला इसका एट थाउजेंड रुपीज का आईटीसी नहीं मिलेगा इसका आईटीसी नहीं मिलेगा गवर्नमेंट ने बोला जो भी इंडिया में समझ लीजिए एनआरटीपी में एनआरटीपी ने बिजनेस करने के लिए कुछ गुड्स खरीद लिए इंडिया में। पे इसने दिया गुड्स एंड सर्विस लेगा उस पर जो भी जीएसटी पे करेगा हमारा इंटेंशन नहीं है कि हम उसे क्रेडिट दें ठीक है लेकिन गवर्नमेंट ने एक बात जरूर बोला कि एनआरटीपी आप सुनिए आप जब इंडिया के बाहर से लेके आ रहे हो क्योंकि आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो आप इंडिया के बाहर से गुड्स लेके आओगे इंडिया में बेचोगे तो सर जब गुड्स क्लियर कराया जो भी आईजीएसटी पे किया था जो आपके बिल ऑफ एंट्री में आपने आई पे किया था उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हम आपको दे देंगे बाकी क्रेडिट सारा ब्लॉक्ड है क्विकली गिव गिवी एड्स क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको यहां गवर्नमेंट ने क्या बोला गुड्स सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय एनआरटीपी जो भी आपने गुड्स सर्विसेज और बोथ लिए हैं इंडिया में उसका क्रेडिट आपको ब्लॉक रहेगा लेकिन अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किए हैं इंपोर्ट करने पे जो भी आईजीएसटी पे किया है इंपोर्ट करने पे जो भी आईजीएसटी पे किया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा ठीक है सर पॉइंट क्लियर है सर मैंने एक शर्ट खरीदा पर्सनल कंजम्पन के लिए टेबल खरीदा पर्सनल कंजम्पन के लिए मोबाइल खरीदा पर्सनल कंजम्पशन के लिए क्रेडिट नहीं मिलेगा गुड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन कभी क्रेडिट नहीं मिलता है बिकॉज एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है सेक्शन नंबर में कि आप एलिजिबल तभी हो जब आप यूज कर रहे हो अपने बिजनेस में तो अगर पर्सनल पर्पस के लिए खरीद रहे हो तो क्रेडिट नहीं मिलेगा क्विकली गिवी अप इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल यस सर पॉइंट क्लियर है चलिए आगे चलते हैं एवरीवन ओवर हियर गवर्नमेंट ने नेक्स्ट पॉइंट में बोला ये मेरे को लगता है आपको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए एग्जाम के लिए भी बहुत जगह काम आएगा सर सर गुड्स गुड्स लॉस्ट लोग लोग क्या करते हैं हैं मैं आपको बताता गवर्नमेंट को बोलते हैं, सर, तो चोरी हो गया गवर्नमेंट बोला गुड्स चोरी हो गया कोई बात नहीं तेरा क्रेडिट भी चोरी हो गया सर गुड्स तो चूहे खा गए अरे गुड्स चूहे खा गए कोई बात नहीं सोच लेना क्रेडिट भी चूहे खा गए गवर्नमेंट ने बोला गुड्स लोगों ने बोला सर गुड्स लॉस्ट एक्चुअली क्या क्या गिफ्ट दे दिया अपने बच्चे को सर अपने वाइफ को गिफ्ट दे दिया है और बोल रहे हैं सर गुड्स गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं बेटा चोरी करने का कोशिश कर रहे हो आप हो थीफ। आप हो हो आप आप गवर्नमेंट ने बोला थीफ। अगर बोल रहे हो गुड्स लॉस आईटीसी टीसी गुड्स आई आईटीसी स्टोलन गुड्स डिस्ट्रॉयड आईटीसी डिस्ट्रॉयड सर गुड्स रिटर्न ऑफ आईटीसी भी गवर्नमेंट बोलेगा रिटर्न ऑफ मैंने बोला सर मैंने गिफ्ट दे दिया

यहां है किसको पकड़े ये है रवि रवि है नहीं सर आपने कल अंकित का एग्जाम्पल दिया था ये है अंकित ठीक है अंकित ने मेरे को बोला रमेश सर मेरे को गुड्स भेजिए मैंने बोला सौ रुपए सौ करोड़ का गुड्स है जीएसटी लगेगा एटीन परसेंट रवि ने अंकित ने बोला सर पांच परसेंट लगा के भेज दीजिए मैंने पांच परसेंट लगा के भेज दिया रस्ते में खड़ा था इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर ने इसको रोक लिया इंस्पेक्टर ने इस, इसको रोक लिया सर यहां हो गया इसका डिटेंशन उसके बाद इंस्पेक्टर ने जब ट्रक खुलाया तो बोला आप पांच परसेंट जीएसटी क्यों लगा रहे हो लगना तो एटीन परसेंट चाहिए चल बेटा चल डिपार्टमेंट लेके गया उसको डिपार्टमेंट ले गया इसको और अब गुड्स कॉन्फिस्केट होने वाले थे इसीलिए इन्होंने क्या किया बोला सर सॉरी गलती हो गई है तो डिपार्टमेंट ने एक डिमांड ऑर्डर रेस किया बोला जो डिफरेंशियल एक्चुअली अठारह परसेंट था तो उन्हें पांच परसेंट दिया है जो तेरह परसेंट है वो दीजिए मेरे को तेरा करोड़ प्लस जो भी पेनल्टी है वो भी दीजिए तो सर मैंने इनको डिपार्टमेंट में जो भी पेनल्टी था दे दिया अब मैं आया घर और मेरे को आया गुस्सा मैंने क्या किया एक डेबिट नोट बनाया डेबिट नोट बनाया तेरह करोड़ का डेबिट नोट बनाया और भेज दिया अंकित को मेरा क्वेश्चन आपसे ये है ये जो डेबिट नोट है इसमें मैं लिखूंगा कि आपके बिहार में मैं जीएसटी दे के आया हूं डिपार्टमेंट में मेरा क्वेश्चन आपसे ये है क्या इसको क्रेडिट मिलेगा क्या इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ये तेरह करोड़ रुपए का नहीं मिलेगा सर इनवॉइस का क्रेडिट मिल जाएगा ये जो जीएसटी पेड जीएसटी पे किया आपने अंडर सेक्शन नंबर सेवेंटी फोर जो डिमांड ऑर्डर आया और आपने जो जीएसटी दिया है उसका आई इसको सॉरी ये जो सेकेंड वाला है इसका इनपुट टैक्स रेट इसको नहीं मिलेगा आपको अगर याद है टैक्स इनवर्स चैप्टर में मैंने बोला भी था सर इसमें मैंने टैक्स इनवर्स चैप्टर में भी बोला था कि सर आपको अपने डेबिट नोट में लिख के देना है बेटा अंकित आईटीसी नॉट अवेलेबल सर एडमिश नॉट एडमिसिबल आपको लिखना भी होगा यस वेरी गुड एवरीवन यस yes, सर अगर मैंने टैक्स पे किया है इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 74 मतलब डिमांड ऑर्डर आया बिकॉज आई वाज ए फ्रॉड मैंने किया या सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया और मैं पकड़ा गया और मैंने कुछ अमाउंट पे किया सर मेरे ट्रक को रोका गया डिटेंशन हुआ उसके बाद कॉन्फिस्केशन हुआ और मैंने कोई टैक्स पे किया है वो टैक्स का अगर आप फ्रंट पार्टी को डेबिट नोट दोगे तो भी फ्रंट पार्टी को क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर सर आपने कोई निवेशन किया था उसके लिए रोका गया कॉन्फिस्केशन हुआ और आपने कोई टैक्स पेनल्टी वगैरह पे किया है फ्रंट पार्टी को उस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा इस पर्सन को मैं क्या नाम दू मैं इस पर्सन को नाम दूंगा टोटल थीफ देखिए चोर होता है एक एक होता है जो चोरी कर रहा था और पकड़ा भी गया इसीलिए इसका नाम मैंने रखा है टोटल थीफ यस सर थी केसेस ये है और इन केसेस को हम बोलेंगे टोटल थी मतलब कंप्लीटली चोर था पकड़ा भी गया क्विकली बोलिए क्या यहां तक हम सब क्लियर हैं यस सर सब कुछ क्लियर है, है। चलिए बाबा सुन नहीं इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ब्लॉक क्रेडिट खत्म होता है मैं आपको ये जो ऊपर ड्रॉइंग बनाया हुआ है ना इसका मतलब बता देता हूं सर ये जो ऊपर आपने ड्रॉइंग किया है क्यों किया है देखिए मैं आपको याद याद कराने के लिए किया हूं क्या आप इस पर्सन को देख रहे हो यस सर ये देखिए एवरीथिंग टोल्ड इन क्लास इज ओनली फॉर क्लासरूम प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी रेलिवेंट नहीं है सिर्फ समझाने के लिए मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूं सर इसको चाहिए, इसको इसको चाहिए देखिए चाहिए हेल्थ सर्विस इसको चाहिए प्लास्टिक सर्जरी भी चाहिए सर इसको थोड़ा थोड़ा कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी भी चाहिए थोड़ा सर ब्यूटी ट्रीटमेंट भी दे दीजिए तो सर तीनों पे क्रेडिट ब्लॉक है याद रखिएगा हेल्थ सर्विस

और बाबा अब क्या हुआ सुनिए इसने इसने यह गया जिम यह गया क्लब और अब बन गया बॉडी बिल्डर अब बन गया बॉडी बिल्डर और करने लगा कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई सर सी फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स सी फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स कॉम्पोजिशन टैक्स का आपको क्रेडिट नहीं मिलता है ओ फॉर आउटडोर केटरिंग आउटडोर केटरिंग का क्रेडिट आपको नहीं मिलता है एन फॉर एन आर टी पी एन आर टी पी को डोमेस्टिकली जो भी गुड्स एंड सर्विस लेते हैं उसका क्रेडिट नहीं मिलता है अगर इंपोर्ट किया है गुड्स उस पर कोई जीएसटी दिया है तो उसका क्रेडिट मिलता है सर एफ फॉर फूड एंड बेवरेजेस याद रखिएगा फूड एंड बेवरेजेस का क्रेडिट आपको नहीं मिलता है सर एल आई फॉर एल आई फॉर बाबा लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस ठीक है ओके okay, सर उसके बाद आता है सी फॉर सी फॉर याद रखेगा सी फॉर कंस्ट्रक्शन होता है कंस्ट्रक्शन चाहे आपने कंस्ट्रक्शन खुद कराया हो चाहे आपने कंस्ट्रक्शन वर्क कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किया हो चाहे आपने खुद कंस्ट्रक्शन किया हो क्रेडिट नहीं मिलेगा ठीक है सर उसके बाद आता है टी टी मतलब होता है ट्रैवल बेनिफिट ट्रैवल बेनिफिट अगर दिए हैं एम्प्लॉय को ऑन वेकेशन क्रेडिट नहीं मिलेगा सर आता है थीफ थीफ सर गुड्स लॉस्ट आईटीसी लॉस्ट गुड्स डेस्ट्रॉइड आईटीसी टीसी और एक आता है सर चोरी करते हुए पकड़े गए तो बोले जाओगे टोटल थीफ टोटल थीप का भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा क्विकली हेड साहब क्या आपको याद हो गया देखिए बाबा ये एक पर्सन था याद रखिएगा ये डायग्राम ठीक है एक पर्सन था उसको चाहिए था हेल्थ सर्विस उसको ब्यूटी ट्रीटमेंट चाहिए था उसको कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी चाहिए था क्रेडिट नहीं मिलेगा उसने लिया एक मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट भी लिख दीजिए आप मतलब मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट पे क्रेडिट नहीं मिलेगा अब ये चला गया हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर क्रेडिट नहीं मिलेगा सर उसके बाद ये चला गया क्लब क्लब मेंबरशिप पे क्रेडिट नहीं मिलेगा उसके बाद सर ये बन गया एक बॉडी बिल्डर और करने लगा

Total thief. Here I am done with the block credit everyone.